परिवहन विभाग के द्वारा रोडवेज से रक्षाबंधन पर्व पर 200 बसें चलाई जा रही हैं, जिसके संबंध में परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी महेश चंद्र ने बताया कि रक्षाबंधन का पर्व स्थानीय होता है। इसमें गोरखपुर रोडवेज से ठूठीबारी, सोनौली, तमकुहीराज, पडरौना, देवरिया, अयोध्या वाले मार्ग पर यात्रियों की अधिकता रहती है, जिसमें सभी महिला बहनें व महिला यात्री अधिक यात्रा करती हैं। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, दिल्ली जाना चाहेंगी वह भी यहां से जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस समय हमारे पास 220 बस हैं। यदि यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है तो बसों के फेरे को बढ़ा दिया जाता है, जिससे यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी महेश चंद्र ने कहा, देखिए रक्षाबंधन का पर्व ज्यादातर स्थानीय होता है। इसमें गोरखपुर से ठूठीबारी, सुनौली, तमकुही, पडरौना, देवरिया, बड़लगंज, अयोध्या इस पे यात्रियों की अधिकता रहती है। महिला बहनें, महिला यात्री अधिक यात्रा करती हैं। इसके अलावा जो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली भी जाना चाहेगा उक्त अवधि में निशुल्क यात्रा कर सकता है। बसें तो हमारे पास 220 है। इस बसों को जैसे यात्री रहते हैं, जैसे हम लोग बस के फेरे बढ़ाते हैं, बस नहीं बढ़ाते हैं, जैसे दिल्ली पे या जहाँ पे इनकम कम रहती है उन बसों को जो लोकल मार्ग है उसके अतिरिक्त फेरे बढ़ाए जाते हैं। इस बार की जो योजना है प्रत्येक मार्ग पर 10 अतिरिक्त फेरे की व्यवस्था की गई है, फेरे बढ़ा दी जाएगी। जहाँ यात्री कम है वहाँ से बसों को निकाल के जिस मार्ग पे अधिक यात्री हैं उसके फेरे बढ़ा दिए जाते हैं।